हमारा धरना प्रदर्शन का जो था वो संविधान बदलने की बात जो आरएसएस और बीजेपी के हो रही है उससे लोगों को आगाह करने की बात थी, जागरूक करने की बात थी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए और हमने किस तरह से संविधान बदलने की और क्यों बदल रहे हैं इसकी वजह हम लोगों ने लोगों को बताई। उम्मीद है कि लोग अपने अपने गाँव में जाके इसका प्रचार और प्रसार करेंगे, ये हम लोग ये उम्मीद करते हैं। देखिए रासुका जो लगी है वो इलीगल डिटेंशन है, एक प्रकार की पनिशमेंट है और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया तो रासुका लगाने की कोई बात है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो तो दो कम्युनिटीज़ की लड़ाई थी। तो अगर रासुका लगना है तो दोनों को लगना चाहिए था। ये तो जहाँ मुझे दिखाई देता है कि होम मिनिस्टर भी ठाकुर है और मुख्यमंत्री भी ठाकुर है तो ठाकुरों को खुश करने के लिए चंद्रशेखर पर यह रासुका लगा गया है, ये हम लोग का आरोप है। और सवाल ऐसा है कि इस चीज़ के लिए जो है वो उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता और उसको पनिश भी नहीं किया जा सकता है। प्रकाश अम्बेडकर जी, सभी लोग ये कहते हैं कि अब 2019 का चुनाव आ रहा है, सब चुनाव के अंदर अपनी डुगडुगी बजाने आ रहे हैं, फिर ये समाज अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है। देखिए सवाल ऐसा है कि हमने किसी डुगडुगी नहीं बचाई जी, हमने उनसे यही कहा कि भैया संविधान बचाने के लिए क्या करना है जी, हमने किसी को नहीं कहा कि ये वोट किसको दो, हमने यही कहा कि भैया वोट किसको नहीं देना है जी। तो वो उसके पर अमल करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। अब जो जिनको फ़ायदा चाहिए वो राजनीतिक पार्टी खुलेआम कहे कि भी हम संविधान के पक्ष में हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान से ही राज करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से जो ये डुगडुगी बचाएंगे उनको फ़ायदा होगा। आप समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? समाज से मैंने यही अपील किया है कि आरएसएस बीजेपी संविधान बदलने के निकली है तो आपका इस बार का जो वोट है वो वोट आरएसएस बीजेपी के खिलाफ जाएगा। प्रकाश अम्बेडकर जी, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जन सैलाब था, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको सभी लोग देखते हैं और आज यहाँ नहीं है, आज यहाँ सोशल मीडिया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जस्टिस लोढ़ा साहब ने जो बात मुझे अरोरा जी ने बताई कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक वॉचडॉग है, आप डॉग को ही वॉच किया गार्ड कर रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। ये अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉच डॉग नहीं है तो उनको ही गार्ड किया जा रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। अभी अपने समाज के युवा टीम के कुछ लोग परेशान होकर कह रहे हैं कि मंच पे ही बताते हैं कि भाई अभी मंच को कैप्चर। देखिए सवाल ऐसा है कि ये कोई राजनीतिक मंच है ही नहीं, ये राजनीतिक मंच है ही नहीं, ये तो एक सामाजिक मंच है। इस सामाजिक मंच से लोगों को संविधान के बारे में आगाह करना था, चंद्रशेखर की रिहाई के बारे में था, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी की नाराज़ी नहीं होनी चाहिए ना किसी को एतराज़ होना चाहिए। सर चंद्रशेखर तो इधर तीन और भी हैं सर, उनके नाम क्यों नहीं लिया जाते जिन पर रासुका लगी हुई है, तीन और भी हैं उनके साथ में ना। देखिए चंद्रशेखर एक नेता है, मतलब उसके पीछे दो जन है ये हम लोग भी जानते हैं। सर विजय जो इनका विजय सोनू नाम है, वो गांव के प्रधान थे, सबसे पहले जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने उनसे वो बहस की थी, ये चंद्रशेखर आया तो बाद में आए हैं। ये बात सही है, बात सही है उसमें आपकी, लेकिन जिनको कानून ने कहा है, मतलब कोर्ट ने कहा है छोड़ो और उसके बावजूद भी सरकार ने दबा दिया है तो उसी की आवाज़ होगी, क्योंकि उस पर अन्याय हुआ है। हम लोग पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाज नहीं दे रहे, पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई करने के बाद कोर्ट ने कहा कि आपकी कार्रवाई गलत है, इसको रिहा करो। जब कोर्ट ने कहा इसको रिहा करो तो आपको रिहा ही करना चाहिए, आपको इसको रासुका के अंदर लेना ये गलत है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा है ये, और उस व्यक्ति की आज़ादी पर पाबंद सरकार नहीं लगा सकती, ये हम लोग बताना चाह रहे हैं।